तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप भी पीसी में गेम प्ले करते हो और आपसे हेडशॉट नहीं लगता? MP40 से, MP5 से या UMP गन से आपके हेडशॉट नहीं लगते हैं बिल्कुल भी? तो दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके लिए कुछ ऐसा सेटिंग लेके आ गया है, इमुलेटर का सेटिंग प्लस गेम का सेंसिटिविटी प्लस माउस का क्या एक्स और वाई क्या है प्लस मैं कौन सा ट्विक्स यूज करता हूँ, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और दोस्तों, जो बंदे पीसी में गेम प्ले नहीं करते हैं वो सोचेंगे भाई हम इस वीडियो को क्यों देखें, तो दोस्तों आपके लिए भी एक सरप्राइज है। इस वीडियो के अंदर आपको एक गूगल प्ले स्टोर का रिडीम कोड मिलने वाला है जो कि आपको वीडियो में कहीं पर भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और इंजॉय करें। और दोस्तों, जो भी पीसी प्लेयर है उनके लिए तो ये वीडियो काफी कमाल का होने वाला है क्योंकि इस वीडियो को देखने बाद में दबादब हेडशॉट ही हेडशॉट लगने वाले हैं पीसी से। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो मैं आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ वो है ब्लूस्टैक्स 5 का लेटेस्ट वर्जन है। और दोस्तों, आप भी एक बार ब्लूस्टैक्स 5 का लेटेस्ट वर्जन यूज करके देखना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इमुलेटर में क्या सेटिंग यूज कर रहा हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे पीसी में है 4 कोर है तो मैं यहाँ पे इसको 3 कोर दे रखा हूँ, ठीक है। अगर आपके पीसी में 2 कोर है तो आप इसको 1 दे के रखना, ठीक है। मेरे में 4 है, मैं इसको 3 दे रखा हूँ क्योंकि 3 पे अच्छा चल रहा है। उसके अलावा आप में इसमें रैम देख लेना कितना है, उसके हिसाब से दे देना। मेरे में 8 GB रैम है, 4 दे रखा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना। बाकी इसका डिस्प्ले साइज में अगर आपका अच्छा मॉनिटर है तो आप वो यूज करना, बाकी 1280 ये ले लेना काम में, ठीक है। और दोस्तों, मैं DPI यूज करता हूँ 450। और दोस्तों, 450 आप सोचोगे कि बहुत ज्यादा हो गया, तो दोस्तों जितना ज्यादा इमुलेटर का DPI होगा उतना ही कम सेंसिटिविटी होगा। तो यहाँ पे आपको और कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। आ जाना है अपने होम स्क्रीन के ऊपर और वहां पे अपना देख लेना सेंसिटिविटी दिखा रहा हूं मैं। 89 जनरल यूज कर रहा हूँ और 14 है मेरा रेड डॉट। तो दोस्तों, यही यूज कर रहा हूँ फिलहाल और इसमें काफी ज्यादा अच्छे हेडशॉट लगने वाला है। तो आप देखना वीडियो के लास्ट में कैसे हेडशॉट लगने वाले हैं और आपके भी ऐसे ही लगेंगे। और मैं बता देता हूं कि मैं माउस का क्या सेंसिटिविटी है, एक्स और वाई क्या है प्लस ट्विक्स क्या यूज करता हूं। तो चलिए देखते हैं वो भी क्या है। तो दोस्तों, आप साइड में देखो, मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, एक्स है मेरा 2 पे, वाई है 1.65 और मेरा ट्विक्स है 21.058। दोस्तों, ये काफी ज्यादा हेडशॉट लगने वाला ट्विक्स है, मैंने खुद इसको यूज करके देखा है। एक दो ट्विक्स और है, अगर आप बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर देखो कैसे हेडशॉट लग रहे हैं। भाई साहब लाल लाल आ रहा है, मतलब खोपड़ी खोपड़ी तोड़ रहा है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे भाई इस खड़े बंदे को मार रहा है, तो दोस्तों आप ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाके देखना, वहां पे भी काफी ज्यादा हेडशॉट लगने वाले हैं। और दोस्तों, मैं वहां का वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और आई होप कि अभी भी आप थोड़ा सा ना फील कर रहे होंगे भाई बहुत ज्यादा यार कर दिया। तो दोस्तों, अभी UMP के भी आपको दिखाने वाला हूँ हेडशॉट कैसे लगने वाले हैं। और दोस्तों, आपको मेरा गेम प्ले देखना तो आप स्ट्रीम पे देखना, वहां पे काफी ज्यादा हेडशॉट लगते हैं। चलिए दोस्तों, अभी UMP के भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे UMP सेलेक्ट कर लेता हूँ गन, उसके बाद में देखना। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो UMP के भी काफी ज्यादा हेडशॉट लग रहे हैं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंसिटिविटी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, एक चीज और बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे गेमिंग माउस यूज कर रहा हूँ और जिसका DPI मैंने यूज कर रहा है 3200 में DPI यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास में नॉन गेमिंग माउस है तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए भी एक अच्छा सा सेंसिटिविटी या जो भी सेटिंग है फाइंड करके वीडियो डाल दूंगा। और दोस्तों, अगर आपके पास में भी कुछ ऐसा सेटिंग है जहाँ पे काफी ज्यादा हेडशॉट लगते हैं तो आप पूरा डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैं रेड डॉट प्लस सेंसिटिविटी एक्स वाई क्या यूज कर रहा हूँ, सारा चीज लिख के देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।